हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। बीते दिनों वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबा का मिसकैरेज हो चुका है। वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो वो काफ़ी खुश थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो नर्वस थी क्योंकि लगातार उन्हें ब्लीडिंग हो रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि वो उस बच्चे को बचा पाएंगी या फिर नहीं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वही हुआ। वो बच्चा नहीं बच सका, सबा का मिसकैरेज हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरी है, पर अब मिसकैरेज के एक महीने बाद सबा इस गम से उबरने की कोशिश करते करते थोड़ा सा रिकवर हुई है और यही वजह है कि अब सबा शादी के बाद पहली बार अपने पति खालिद के साथ हनीमून पर जाना प्लान कर रही है। और अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि वो कश्मीर जा रही हैं, काफ़ी खुश है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं क्योंकि वो मानती है जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वाकई में सबा बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, जो भी हमारी किस्मत में होता है वो हमें ज़रूर मिलता है, हमारी किस्मत से ज़्यादा हमें कभी कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे में अब सबा एक बार फिर से अपने आप को सही फील करने की कोशिश कर रही है। और हम सब जानते हैं कि सबा की भाभी अब जल्द ही माँ बनने वाली है, यानी कि दीपिका के घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। बीते दिनों खबरें आई कि दीपिका ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब र्यूमर्स थे। लगातार जो फेक खबरें आ रही हैं और अब ऐसे में जो सबा है वो भी जल्द ही घूमने जा रही हैं, कश्मीर जा रही हैं। वो अपने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है नोएडा से उनके पति ने, और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।